वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है क्रेजी फोर मूवीज में। आज हम बात करने वाले हैं इस हफ्ते थिएटर्स में रिलीज हुई तेलुगु फिल्म यानी कि रिपब्लिक के बारे में। स्टारिंग साई धर्म तेज, रम्या कृष्णन, ऐश्वर्या राजेश और जगपति बाबू, डायरेक्टेड बाय देवा कट्टा। तो ये फिल्म जो है एक सोशल पोलिटिकल ड्रामा फिल्म है, जिस फिल्म से देवा कट्टा जो है एक लंबे समय के बाद यहाँ पर तेलुगु फिल्म में अपनी वापसी कर रहे हैं, जहां पर उनकी इस कमबैक फिल्म को देखने के बाद जो मेरा ओपिनियन बनता है, जो मेरा एक्सपीरियंस था, उसे मैं अगर आपको एक लाइन बताने की कोशिश करूं तो रिपब्लिक फिल्म जो है सही में एक बहुत ही सिंसियर और हार्ड हिटिंग फिल्म है जो मुझे बहुत ही पसंद आई। और मैं कहना चाहूंगा कि मेरी नजर में ये फिल्म जो है एक मस्ट वॉच फिल्म है, जिसे आप किसी भी कीमत पर मिस नहीं कर सकते हो। अगर आपने साई धर्म तेज की पिछली जो आलतू फालतू कमर्शियल फिल्में थी उसे पसंद किया है, तो हो सकता है कि शायद ये फिल्म जो है शायद आपको पसंद ना आए या फिर उतनी पसंद ना आए जितनी मुझे आई है। पर कहना चाहूंगा कि मेरी नजर में ये फिल्म जो है साई धर्म तेज के करियर की सबसे बेस्ट फिल्म है। नो इफ नो बट, ये फिल्म सबसे बेस्ट है, चाहे बात करें स्क्रिप्ट सिलेक्शन की, चाहे बात करें उनकी परफॉर्मेंस की, हर एक डिपार्टमेंट में अब तक की उनकी ये सबसे बेहतरीन फिल्म है, जिसके लिए मैं उनकी तारीफ करना चाहूंगा कि उन्होंने फिर से एक कमर्शियल फिल्म को यहां पे साइड में रखते हुए उन्होंने एक ऐसी स्क्रिप्ट सिलेक्ट की जो उन्हें थिएटर में शायद उतना पैसा कमा के ना दे, पर उन्हें एक एक्टर के तौर पर यहां पे पर्दे पर एक बहुत ही अच्छी तरीके से प्रेजेंट करती है। तो ये अब ऑडियंस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको साई धर्म तेज की वो फालतू कमर्शियल फिल्मों को सपोर्ट करना है या फिर इस टाइप की डिफरेंट फिल्मों को सपोर्ट करना है जहां पर वो सही में कुछ कमाल की फिल्म लेकर आ रहे हैं। इस फिल्म की जो सबसे बड़ी खास बात है वो है इसकी स्क्रिप्ट। देवा कट्टा ने इस फिल्म के अंदर जिस तरह से सिस्टम, डेमोक्रेसी और करप्शन जैसी चीजों को यहां पर हाईलाइट करते हुए यहां पर एक एक चीज को अपने डायलॉग्स के द्वारा जिस तरह से प्रेजेंट किया है, जो परफॉर्मेंस देखने को मिलती है वो सही में बहुत ही हार्ड हिटिंग है। साथ ही साथ इस फिल्म में हमें एक और चीज भी जानने को मिलेगी कि क्या आज के टाइम में जो लोग, जो आम आदमी, हम और आप जैसे जो लोग हैं, जो दिन भर यही बोलते रहते हैं कि देश जो है पूरी तरह से करप्शन फ्री हो जाना चाहिए, हमें न्याय चाहिए, हमें बदलाव चाहिए, हमें हर चीज में डेवलपमेंट चाहिए, तो क्या वो सभी लोग जो है सही में इस देश का भला चाहते हैं? चाहते हैं तो कितना चाहते हैं, और नहीं चाहते हैं तो क्यों नहीं चाहते हैं? इन सभी चीजों का जो जवाब है आपको इस फिल्म के अंदर मिलेगा। और फिल्म के खत्म होते होते जब सारे सवालों का जवाब आपको देखने को मिलता है ना, वो अनप्रेडिक्टेबल जरूर है पर शॉकिंग बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं कहना चाहूंगा कि फिल्म के क्लाइमैक्स में जो चीज दिखाई गई है वो बहुत ही रियलिस्टिक है। सच में ये आज की डेट की सच्चाई है जो आपको इस फिल्म के अंदर देखने को मिलने वाली है। और कहना चाहूंगा कि फिल्म का क्लाइमैक्स जो था बहुत ही बेहतरीन था, और एक तेलुगु फिल्म से मैंने ये बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था। इस टाइप के क्लाइमैक्स, इस टाइप की चीजें जो है हम अक्सर तमिल और मलयालम फिल्मों में देखते हैं, पर इस टाइप की चीजें तेलुगु फिल्म में देखते हुए मुझे बहुत ही खुशी हो रही थी। और कहना चाहूंगा कि डायरेक्टर इतने सिंसियर थे कि उन्होंने अपना जो ऑनेस्टी है उसे क्लाइमैक्स तक भी बिल्कुल नहीं छोड़ा, और क्लाइमैक्स में वही चीजें दिखाई जो आज के दिन पे हो रही है। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर किसी बॉलीवुड के प्रोड्यूसर ने इस फिल्म को देख लिया, फिल्म के क्लाइमैक्स को देख लिया ना, तो बहुत ही कम समय के अंदर अंदर आपको इस फिल्म के रीमेक के लेकर जो अनाउंसमेंट है वो भी देखने को मिल जाएगी। क्योंकि मुझे तो पूरा भरोसा है इस फिल्म को देखने के बाद कि इस फिल्म का जो रीमेक है वो बन के ही रहेगा। बॉलीवुड में बने, साउथ की किसी इंडस्ट्री में बने, पर इस फिल्म का रीमेक जो है आने वाले कुछ सालों के अंदर आपको देखने को जरूर मिलने वाला है। तो बिना किसी स्पॉइलर के अगर बात करें फिल्म की कहानी के बारे में, तो फिल्म कहानी है पंजा अभिराम नाम के एक लड़के यानी कि साई धर्म तेज की, जिसने बचपन से ही अपने पिता को रिश्वत लेते हुए देखा है। और एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पर उसे एहसास होता है कि ये चीजें गलत है, और वो अपने पिता के पैसे पर जीना छोड़ देता है, यानी कि उसके पिता जितना भी खर्चा उस पर करते थे वो खर्चा जो है वो यहां पर ट्यूशन क्लासेस लेकर अपने पिता को लौटा देता था। मतलब वो अपने आप को यहाँ पे करप्शन फ्री बनाना चाहता था बचपन से ही। साथ ही साथ वो एक बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट है, और वो अपनी पढ़ाई वगैरह कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे अमेरिका जाना चाहता है, यहाँ पे हायर स्टडीज को लेकर। पर फिर फिल्म के अंदर ऐसी क्या घटनाएं घटती है, ऐसा क्या क्या घटता है जिसके वजह से एक ऐसा लड़का जो अमेरिका जा रहा था वो यहाँ पे इंडिया में रुक जाता है और एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनता है, और कलेक्टर बनने के बाद वो किस तरह से यहाँ पे राज्य की जो करप्ट गवर्नमेंट है उससे टक्कर लेता है, उसका सामना करता है, ये सभी चीजें जानने के लिए आपको इस फिल्म को देखना पड़ेगा। इसके अलावा फिल्म का जो फर्स्ट हाफ था वो बहुत ही ओके सा था, क्योंकि वहां पर जो स्क्रीन प्ले हमें देखने को मिलता है वो बहुत ही स्लो टाइप का जो स्क्रीन प्ले था वो देखने को मिलता है। कहानी बहुत धीरे धीरे बिल्ड की गई है, पर वहां पर भी कहूंगा कि साई धर्म तेज के द्वारा जो कुछ डायलॉग्स हमें सुनने को मिलते हैं वो सही में बहुत ही हार्ड हिटिंग थे। स्पेशली जो हमें एक वोटिंग बूथ वाले सीन में सुनने को मिलता है और उनका जो एक इंटरव्यू वाला सीन था, इन दोनों ही सीन्स के दौरान जो डायलॉग्स, जो सब चीजें यहाँ पे साई धर्म तेज बोलते हैं वो सही में बहुत ही कमाल का था। और कहना चाहूंगा कि फिल्म की एक और
सबसे बड़ी हाईलाइट जो है वो है इसके डायलॉग्स। हाँ, हो सकता है कि कुछ कुछ पॉइंट पर डायलॉग्स जो है स्पीच में कन्वर्ट हो जाते हैं, पर एक पॉलिटिकल ड्रामा या फिर सोशल पॉलिटिकल ड्रामा फिल्म के अंदर ये सभी चीजें चलती है और देखने में मजा भी आता है। तो फिल्म के एक ठीक ठाक से फर्स्ट हाफ के बाद फिल्म का जो सेकेंड हाफ हमें देखने को मिलता है वो इस फिल्म की जान है। सेकेंड हाफ का स्क्रीन प्ले कहूंगा कि फर्स्ट हाफ के मुकाबले थोड़ा सा तेज है पर फिर भी थोड़ा स्लो है, पर कहीं पर भी इस चीज का एहसास नहीं होता है, क्योंकि सेकेंड हाफ के अंदर जिस तरह से कहानी जो है अपने अंदर ड्रामा और इमोशंस को ऐड करते हुए कहानी को रियलिटी के और ज्यादा करीब लेकर जाती है, वो सभी चीजें इतनी कमाल की थी कि उन सभी चीजों को देखने के बाद जब आप फिल्म का क्लाइमैक्स देखोगे तो क्लाइमैक्स के बाद ये फिल्म जो है आपके ऊपर एक गहरा असर डालती है, जिसके वजह से मैं कहूंगा कि जब मैं थिएटर से बाहर निकला ना, तो सच बता रहा हूं ये फिल्म जो है मेरे दिमाग में बैठ गई थी और मैं कहना चाहूंगा कि मैं बिल्कुल सरप्राइज रह गया और मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि फिल्म जो है इस लेवल तक चली जाएगी। तो फिल्म जो है अपने सेकंड हाफ के वजह से कमाल की फिल्म बन जाती है। साथ ही साथ इस फिल्म की जो एक और सबसे बड़ी खास बात है जिसके वजह से फिल्म जो है हमें अपने साथ कनेक्ट कर पाती है वो ये है कि फिल्म जो है अपने स्क्रिप्ट के अंदर ऐसी ऐसी चीजों को डिस्कस करती है जो आज की डेट में बहुत ज्यादा रेलेवेंट है। अगर बात करें लड़कियों की सेफ्टी की, अगर बात करें कमजोर और करप्ट पड़ चुके एक सिस्टम की, अगर बात करें यहाँ पे पर्यावरण की सुरक्षा की, अगर बात करें यहाँ पर लोगों की जो अपने जात पात को लेकर पागल हो चुके हैं, हर एक चीज को यहाँ पे फिल्म की स्क्रिप्ट के अंदर इस हिसाब से डाला गया है कि फिल्म जो है केवल आपसे सवाल नहीं पूछती है, फिल्म जो है शुरुआत से लेकर अंत तक ऐसी ऐसी चीजों को दिखाएगी, ऐसे ऐसे चीजों को सुनाएगी कि फिल्म जो है सवाल भी पूछेगी और साथ ही साथ आपको जवाब भी देगी। तो ये जो है ये बहुत ही अच्छी चीज है, क्योंकि अक्सर होता है कि फिल्में जो है सवाल पूछ के ऑडियंस पे छोड़ देती है कि आप डिसाइड कर लो, पर यहां पर जो है डायरेक्टर जो है एक पूरी तरह से क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू के साथ आते हैं और अपने सवालों के साथ साथ अपने जवाब और अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी जो है यहां पे हमारे सामने रखते हैं, जिसके वजह से ये फिल्म जो है मुझे काफी पसंद आई। परफॉर्मेंसेस के बारे में अगर हम बात करें तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि साई धर्म तेज के करियर की वन ऑफ द बेस्ट नहीं सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस है और इससे पहले उन्होंने ऐसा काम अभी तक नहीं किया था। फिल्म के अंदर उनकी डायलॉग डिलीवरी से लेकर उनकी रियलिस्टिक परफॉर्मेंस तक हर एक चीज जो है बहुत ही इंप्रेसिव थी और कहना चाहूंगा कि जिस टाइप से उनके कैरेक्टर को लिखा गया है, उनका कैरेक्टर कहीं पर भी एक इंडिविजुअल कैरेक्टर नजर नहीं आता है। उनका कैरेक्टर जो है हम में से आप में से काफी सारे लोगों की सोच है जो देश को एक करप्ट फ्री देश बनाना चाहते हैं या फिर एक करप्ट फ्री देश के तौर पे देखना चाहते हैं, तो वो एक जो कैरेक्टर है वो केवल एक कैरेक्टर नहीं है, वो सोच है, वो पूरी ऐसी सोच है जो हर कोई घर पे बैठ के सोचता रहता है। तो वो कैरेक्टर बहुत ही बेहतरीन तरीके से लिखा गया है। साथ ही साथ उनको टक्कर देने के लिए रम्या कृष्णन जी का जो कैरेक्टर लिखा गया है वो सही में कमाल का है। मतलब इस फिल्म में अगर कोई बहुत ऐसे मतलब बहुत एक सुपरस्टार वाली जो फील देता है ना, तो वो है रम्या कृष्णन का कैरेक्टर। भले ही वो फिल्म में एक नेगेटिव एक करप्ट पॉलिटिशियन का रोल प्ले कर रही हो, पर उनका फिल्म के अंदर जो स्क्रीन प्रेजेंस है ना वो इतना कमाल का है कि मैं बता नहीं सकता हूं। मतलब फिल्म के अंदर अगर वो केवल एक बैठकर केवल अपने एक्सप्रेशन के द्वारा है ना डिसाइड कर लेती है कि उसके सामने जो खड़ा है वो जीतेगा या हारेगा, मतलब इस टाइप की उनकी परफॉर्मेंस है। तो कहना चाहूंगा बहुत ही कमाल के कैरेक्टर्स लिखे गए हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से परफॉर्म भी किए गए हैं। इसके अलावा इन दोनों कैरेक्टर्स को अगर आप देखोगे तो कैरेक्टर के द्वारा एक और चीज यहां पे बताने की कोशिश की गई है कि ये जरूरी नहीं कि एक करप्ट व्यक्ति का जो आने वाली पीढ़ी है वो करप्ट ही निकले, और ये जरूरी नहीं कि एक देशभक्त की जो आने वाली पीढ़ी है वो देशभक्त ही निकले। एक करप्ट व्यक्ति का लड़का आगे जाके एक ईमानदार कलेक्टर भी बन सकता है और एक देशभक्त की बेटी जो है आने वाले समय में एक करप्ट पॉलिटिशियन भी बन सकती है। तो ये सभी चीजों को फिल्म के अंदर स्क्रिप्ट के अंदर बहुत ही एक बेहतरीन तरीके से दिखाया गया है। और कहना चाहूंगा कि साई धर्म तेज का जो कैरेक्टर है उस कैरेक्टर को जब मैं सेकंड हाफ में देख रहा था ना, तो सेकंड हाफ में एक सीन आता है जहां पर कैरेक्टर जो है उसके अंदर जो इमोशंस है ना वो पीक पर होते हैं, पर वो अपने इमोशंस को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए जिस तरह से सिस्टम को मतलब आगे बढ़ाने के लिए, सिस्टम को मजबूत करने के लिए, सिस्टम का पालन करने के लिए जो ऑर्डर देता है, वो चीज जो था ना सही में दिल को छू जाता है। मतलब दिखाता है कि कैरेक्टर जो है सही में यहां पर सिस्टम को बचाने आया है, सिस्टम को सुधारने आया है। और वो एक सीन काफी है यहां पे दिखाने के लिए कि डायरेक्टर ने क्या सोचकर इस फिल्म को बनाया है। इसके अलावा फिल्म में जगपति बाबू आपको नजर आते हैं, उनका रोल उनका कैरेक्टर भी फिल्म में बहुत अच्छा है, पर क्लाइमेक्स से पहले जिस तरह से उनके करप्शन को यहां पर थोड़ा सा एक उनके कैरेक्टर के प्रति एक सिंपथी जगाने के लिए या फिर कहें उनके कैरेक्टर में जो करप्शन है उसे जस्टिफाई करने के लिए उनकी जो एक सैड बैक स्टोरी दिखाने की कोशिश की गई है साई धर्म तेज और उनके बीच में एक इमोशनल बॉन्डिंग क्रिएट करने के लिए, उन सभी चीजों की मुझे नहीं लगता है कि जरूरत थी, क्योंकि कहीं पर भी डायरेक्टर को यहां पे करप्शन को एक कह सकते हैं कि
जस्टिफाई या फिर कैरेक्टर को जस्टिफाई नहीं करना चाहिए था। इसके अलावा यहाँ पे ऐश्वर्या राजेश भी हमें नजर आती है, जिनका रोल फिल्म में बहुत ही कम है, पर जितने भी जगहों पे वो नजर आई हैं उनका काम सही में काफी इंप्रेसिव था। और रोल कम भले ही हो पर उनका कैरेक्टर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट था। तो बहुत ही जितने भी एक्टर्स को यहाँ पे लिया गया है फिल्म के अंदर, हर किसी ने अपने काम को बहुत ही बेहतरीन तरीके से निभाया है। इसके अलावा बात करें यहाँ पे म्यूजिक की, तो फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत ही कमाल का था। सच बता रहा हूँ, ट्रेलर को जब देखा था तो ट्रेलर में म्यूजिक जो है मुझे अच्छा लगा था, पर इस फिल्म को जब मैं देखा ना तो थिएटर से निकलने के बाद म्यूजिक जो है, बैकग्राउंड म्यूजिक जो है मेरे दिमाग में बैठ गया था। मतलब वो म्यूजिक को अगर आप सुनोगे तो एक टाइप का एक साइलेंट वॉर जो होता है उस टाइप का वो म्यूजिक था। तो बहुत ही बेहतरीन बैकग्राउंड म्यूजिक यहाँ पे डिजाइन किया गया है। साथ ही साथ अगर गानों की अगर मैं बात करूं तो गाने ऐसे कोई कमर्शियल सॉन्ग्स नहीं है, गानों के जो मीनिंग्स हैं वो बहुत ज्यादा हैं, पर अगर मेलोडी वाइज या फिर कंपोजिशन वाइज अगर हम बात करें तो उतना कुछ बहुत इंप्रेसिव सॉन्ग फिल्म में नहीं है। तो ओवरऑल कहा जाए तो रिपब्लिक फिल्म मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छी फिल्म लगी, जहां पर कहना चाहूंगा कि फिल्म की दमदार स्क्रिप्ट, बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंसेस और एक बहुत ही कहूंगा कि अनप्रेडिक्टेबल पर बहुत ही एक रियलिस्टिक क्लाइमैक्स इस फिल्म को एक बहुत ही खास, एक बहुत ही डिफरेंट फिल्म बनाता है, जिसे देखने के बाद भले ही फिल्म आपको अच्छी लगे, बुरी लगे, इंप्रेसिव लगे या फिर एक एवरेज लगे, पर हर कोई ये जरूर कहेगा कि डायरेक्टर ने बहुत ही एक ऑनेस्टी के साथ, एक बहुत ही सिंसियर अटेम्प्ट लेते हुए इस फिल्म को बनाया है, जिसके वजह से मेरे हिसाब से आप में से हर किसी को इस फिल्म को एक बार जरूर देखना चाहिए। दोस्तों बस ये था मेरा ओपिनियन इस फिल्म को लेकर। अगर आपने ये फिल्म देख ली है तो आपको ये फिल्म कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों बस ये तक था आज का वीडियो, उम्मीद करते हैं वीडियो को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।